बच्चों हम संख्याओं के साथ खेल रहे थे खेल रहे थे बिल्कुल हम संख्याओं के साथ खेल रहे थे अर्थात हम हमारा तीसरा अध्याय जो कि संख्याओं के साथ खेलना पढ़ रहे थे और इसमें हमने गुणज गुणनखंड भाज्य अभाज्य संख्या और साथ ही साथ सम और विषय संख्याओं के बारे में भी विस्तृत चर्चा कर ली है और इस पर आधारित कुछ सवालों और उदाहरणों को भी हल किया है आज हम उन्हीं भाज्य अभाज्य सम विषम पर आधारित कुछ सवालों को करने वाले हैं जो कि प्रश्नावली तीन पॉइंट दो के सवाल हैं तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल है प्रश्नावली तीन पॉइंट दो का बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम है या विषम होता है यदि विषम संख्याएँ सम संख्याएँ हो तो अगर आप सम विषम और भाज्य अभाज्य से चुके हैं आपको नहीं पता है तो बेहतर रहेगा कि हमारे पहले वाले वीडियो को देखें वैसे मैं हल्का सा रिवाइज तो करूंगी लेकिन फिर भी बेहतर रहेगा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप उन पुराने वीडियोज़ को देखें ठीक है हम बात करते हैं सबसे पहले सम और विषम संख्या होंगी तो सम संख्याओं के बारे में जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है या यूं कह लीजिए जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर जीरो दो चार छ आठ होता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं सम ठीक है और इसके साथ ही साथ हमने विषम संख्या के लिए ठीक इसका उल्टा बोला था अर्थात वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं या यूं कह लीजिए जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर एक तीन पांच सात नौ अंक ठीक है एक तीन पांच सात नौ अंक पाए जाते हैं वो सब संख्याएं विषम संख्याएं संख्या ठीक है ना हमने चर्चा करी थी अब बात आ रही है इन पर आधारित सवाल की वो सवाल क्या कह रहा है बताए कि कितनी दो संख्याओं का योग हमें क्या करना है संख्याओं का योग और कितनी संख्याओं का दो का केवल दो ही लेनी है ठीक है तो दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम हमें ये बताना है उनको योग करके कि वो उत्तर सम आ रहा है या विषम ठीक है और यदि विषम संख्याएं और यदि सम संख्याएं अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम ए की बात करते हैं सबसे पहले तो हम कितनी संख्याएं लेने वाले दो संख्याएं लेने वाले ये एक संख्या और ये दो संख्या और उनका क्या करने वाले हैं योग करने वाले आ रही है ये बात समझ में ठीक है और ये संख्याओं का योग वो पूछ रहा है क्या होने वाला है सम है या विषम ये पूछना चाह रहा है आपसे ठीक है ये सवाल हमारा इस तरह से हो गया हमें बताना है कि सम है या विषम पर शर्ते पहले नंबर पे इसने क्या कहा हमें जो जोड़ने वाली संख्या है वो दोनों कैसी होनी चाहिए विषम अर्थात यहाँ पर भी हमें विषम संख्या लेनी है और इधर भी विषम संख्या लेनी है. कुछ बात समझ में आई मैं वापस से इसको पढ़ देती हूँ तो आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी वो कह रहे हैं बताइए किन्हीं दो संख्याओं को योग दो संख्याओं का योग ठीक है सम होता है या विषम होता है ये हमें बताना है अगर हमने इनको जोड़ा दोनों कैसी होंगी विषम संख्या होंगी तो बताना है नंबर दो पे वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं को जोड़ो आप से ठीक है और वापस चेक करो कि वो सम है या विषम यही चीज बतानी लेकिन अब की बार जोड़ने वाली संख्या कैसी होनी चाहिए बिल्कुल दोनों संख्याएं होनी चाहिए सम ठीक है आ रही है ना बात समझ में तो सबसे पहले बात करते हैं विषम संख्याओं की ठीक है तो हमें विषम संख्याएं कोई दो लेनी है और उनको जोड़ करके देखना है तो हम विषम संख्या लेने वाले हैं ए में तो हम ए में क्या करेंगे दो संख्या लेने वाले हैं एक ले लिया हमने मान लीजिए एक और उसको जोड़ दिया हम अगली संख्या कैसे लेने वाले हैं विषम लेने वाले हैं तो एक के बाद अगली ले, ले लेते हैं ठीक है सुविधा के लिए एक में तीन जोड़ा तो कितना आया चार अब आप बता सकते हैं ये चार सम है या विषम दो का भाग जाता है या नहीं जाता है बिल्कुल जाता है तो ये क्या संख्या बन के आ रही है सम संख्या आ रही आ रही है ना अभी एक दो उदाहरण और ले लेते हैं ताकि हम तसल्ली कर लें ठीक है ना अगली विषम संख्या ले, ले लेते हैं मान लीजिए हमने ले लिए है इसी क्रम में ले लें चलो सात और नौ को जोड़ते हैं सात और नौ को जोड़ा तो सात और नौ को जोड़ा तो कितना आया सोलह ठीक है अब बताएं सोलह में दो का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता और अगर ऐसे देखें तो पीछे का अंक है है इसका मतलब ये भी सम है। तो बच्चों मेरे ख्याल से इतना उदाहरण काफी है और अगर आप और तसली करना चाहते हो तो और दो विषम संख्याओं को जोड़ करके चेक कर लीजिएगा कि वो सम है या विषम तो यहां से तो हमें समझ में आ गया कि अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर में हमें क्या प्राप्त होती है सम संख्या ठीक है आ रही बात समझ में तो हमने दो विषम संख्याओं को जोड़ा तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या क्या है सम संख्या है ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर जो कि है बी तो यहाँ कह रहे हैं दो सम संख्याओं को जोड़ना है अब हमें जिनको जोड़ना है वो क्या होने वाली है बी की बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे थे ए की ए के हमने दो उदाहरण लिए थे ना अब बी की बात करते हैं तो बी में हमने क्या किया अब सम संख्या लेनी है तो सम समख्याएं ऐसे तो दो चार छः आठ होती हैं चलो कुछ बड़ी ले लेते हैं सोलह में हमने जोड़ा अट्ठारह सोलह में अठारह को जोड़ा तो कितना आने वाला है चौंतीस ठीक है अब आप बताएं चौंतीस में दो का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता आप भाग दे करके भी देख सकते हैं तो आप उतर आएगा सत्रह पूरा पूरा भाग जाएगा लेकिन अगर हम पीछे केवल चार को देख निष्कर्ष निकाले तो कह सकते हैं कि क्या बनने वाली है सम ठीक है ना और अगर आप और छो, छोटी ले लेते हैं चार में छः जोड़ा दोनों सम संख्याएं हैं ना हमें दो अगले सवाल में दोनों सम संख्याएं लेनी है लेन ठीक है तो सम में सम जोड़ा तो चार में छः जोड़ा तो कितना आया दस और दस में दो का पूरा पूरा भाग जाता है तो यहाँ से भी हमारा उत्तर क्या आया सम संख्या है। तो हम समझ गए कि अगर हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं अगर वो दोनों विषम हैं तो भी उत्तर क्या आने वाला है सम संख्या और अगर दोनों सम हैं तो भी सम संख्या ही होने वाला है बिल्कुल सही ठीक है ना समझ में आ रही ना बात आपको तो आप उदाहरण दे करके इस बात को समझा सकते हैं ठीक है चलते हैं अगले बिंदु की ओर जो कि है सवाल नंबर दूसरा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा खत्म सत्य है और कौन सा असत्य है। हमें पहचानना है सत्य और असत्य हमें ये इनको बताना है ठीक है तो तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है अगर मैं ऐसे पढूंगी तो आपको समझ में नहीं आने वाला मुझे पक्का पता है आ जाएगा क्या चलो देखते हैं थोड़ा सा धीरे कर देती हूँ ठीक है तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है देखें क्या कहना चाह रहे हैं हम एक दो और तीन कितनी तीन, तीन कैसी संख्या लेनी संख्या है विषम संख्या ये भी विषम होनी चाहिए ये भी विषम और यह भी विषम ठीक है तीन विषम संख्या अभी हमने लेनी है उनका क्या करना है उनका योग करना है उन सबका योग करना है और फिर जांचना है कि वो उत्तर क्या आ रहा है सम आ रहा है या विषम आपको ये जांचना है सम या विषम जांचना नहीं है वो बता रहा है सम होता है सॉरी सम होता है हम जांचते हैं कि सम होता है या नहीं हमने पूर्व में चर्चा की थी कि दो विषम संख्याएं होती हैं तब तो सम आता है ठीक है ना अब कितनी हो गई तीन तो तीन में देख लेते हैं क्या होता है तो यहाँ पर पे हम शुरुआत की तीन ले लेते हैं जैसे एक विषम संख्या है तीन भी विषम संख्या है और पाँच भी विषम संख्या है जोड़े इनको तीन और एक चार चार और पाँच नौ क्या नौ एक सम संख्या है या यू कह लीजिए क्या नौ में दो का पूरा पूरा भाग जाता नहीं जाता तो ये तो संतुष्ट नहीं कर रही है अर्थात ये तो इस बात को सत्य नहीं रही एक और एग्जाम्पल ले लेते ले ले हैं तीन विषम संख्या लेनी है तो थोड़ी सी बड़ी ले लेते ले ले हैं जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया सात ग्यारह और मान लीजिए पंद्रह ले लिया ठीक है तीनों विषम है ना अब इन तीनों को हम जोड़ के देख लेते हैं तो क्या आने वाला है सात और एक आठ आठ पाँच तेरह हासिल की एक एक और एक दो और एक तीन ये आ गया तैंतीस अब बताएं ये सम संख्या है या विषम संख्या बिल्कुल तैंतीस तो विषम संख्या ही है ये भी विषम है और इससे पूर्व नौ पे चर्चा की थी वो भी विषम है जबकि हमारे पास जो कथन है वो कथन कह रहा है सम होता है सम नहीं होता है तो ये सत्य हुआ या असत्य बिल्कुल ये असत्य है ठीक है ना आ रही ना बात समझ तो बच्चों हमें करना है क्या है हमें सवाल को अच्छे से समझना है और उसके अंदर अपनी इच्छा से कुछ छोटे छुट छोटे अंकों को रख देना है बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि वो अंक सम है या विषम ठीक है अगर आपने गलती कर दी सम की जगह विषम को जोड़ दिया, वो जोड़ने के लिए और आपने जोड़ दिया तो उत्तर आपका पे गलत हो सकता तो है अगला संख्याओं और एक संख्या का योग सम होता है अब की बार वो क्या कह रहा है दो विषम संख्याएं दो विषम संख्याओं का योग तो हम बात कर चुके हैं क्या होता है सम होता है हमने पूर्व में चर्चा की थी ना याद कीजिए दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है सम होता है ठीक है ना तो यहां पर वो कह रहे दो विषम संख्याओं तो हम पहले दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे और एक सम संख्या का योग सम होता है तो बात को समझे दो विषम संख्याएं का योग प्लस सम संख्या ये कितनी है एक होनी चाहिए ना तो मोटे तौर पे अगर हम समझें तो दो विषम संख्याओं का योग तो क्या होता है सम पूर्व में चर्चा की थी ना ठीक पहले सवाल में और सम में क्या जोड़ना है फिर सम संख्या और सम में सम संख्या जोड़ने पर पे हमने यह भी समझा था कि सम में सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है याद है आपको नहीं याद तो वापिस याद करें दो संख्या को जोड़ने पर उत्तर क्या आता है संख्या आता है तो यहां पर भी दो समसंख्याओ को जोड़ने पर उत्तर क्या आने वाला है संख्या तो यहाँ पर पे ये भी क्या कह रहा है ये कह रहा है योग सम होता है अब आप सोच सोचोगे मैडम कुछ समझ में आया पूरा नहीं है तो उदाहरण ले, ले लेते हैं सिंपल इससे ज़्यादा तो यही कर सकते हैं ना तो उदाहरण ले, ले लेते हैं पहले तो दो क्या लेने वाले विषम तो ये ले लिया तीन और ये ले लिए पाँच दोनों विषम संख्याएं हैं ना और इनमें एक संख्या जोड़ देते हैं सम संख्या मान लीजिए मैंने जोड़ दी आठ ठीक है अब इनको जोड़ते हैं तीन और पांच कितने हो गए आठ देखो सम संख्या बन गई ना और आठ में आठ जोड़ते ही सोलह और सोलह क्या है दो के पहाड़े में आती भी है दो का पूरा पूरा भाग भी जाता है और इकाई का अंक छ भी है हर स्थिति से ये सम संख्या है तो हमारी ये बात बिल्कुल संतुष्ट हो गई ठीक है तो हम हमें आगे क्या देना हमें तो जवाब देना है सत्य या असत्य तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं सत्य ठीक है अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु की ओर जो कि है सी तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है अभी तक तो केवल योग की बात चल रही थी अब बात आ गई गुणनफल की ठीक है ना तो गुणनफल के लिए हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास में थोड़ी कम हो गई है अब तो अब हम ले रहे हैं सी बिंदु तीन विषम संख्याएं, तो तीन विषम संख्या ले लेते हैं छोटी चोट छोटी ले लेते हैं बड़ी से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी गुणा करने में है ना तो सबसे छोटी एक ले ली उससे छोटी मतलब उससे थोड़ी बड़ी तीन ले ली और उससे बड़ी पाँच ले ली एक बार छोटी लेके हल करते हैं फिर जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी भी ले, ले लेंगे ठीक है ना तीन विषम संख्याओं का गुणनफल तो पहले गुणा करते हैं इन तीनों को हमें क्या करना है गुणा करना है और फिर जो उत्तर आने वाला है वो क्या कहता है ये विषम होता है तो चेक करते हैं विषम आ रहा है कि नहीं तो तीन एकम तीन और तीन पंजे पंद्रह अब आप मुझे बताएं ये पंद्रह सम है या विषम बिल्कुल ये विषम संख्या है ठीक है ना दो का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इकाई अंक पाँच है कैसे भी समझें एक और उदाहरण ले लेते ले हैं ठीक है तो एक और उदाहरण ले लिया हमने अब थोड़ी बड़ी ले लेते ले हैं तो थोड़ी बड़ी में ले लिया हमने आ, नौ ले लिया और ग्यारह ले लिया और एक छोटी ले लेते हैं छोटी संख्या ले ली हमने तीन ठीक है तो ग्यारह को नौ से गुणा किया निन्यानवे और निन्यानवे को फिर किससे गुणा करें हम तीन से तो नौतिया सत्ताईस हासिल की दो नौतिया सत्ताईस अट्ठाईस टू नाइनटी सेवन दो सौ सितानवे और अब आप बताएं मुझे कि ये सम संख्या? संख्या, संख्या है या विषम संख्या है बिल्कुल ये संख्या विषम संख्या है सात है ना पीछे तो ये बन गया विषम तो दो उधर ले लिया और दोनों में उत्तर विषम आ रहा है और यहाँ पर पे ये क्या बोल रहा है विषम होता है तो बिल्कुल सही बात आ रही है ना निकल करके तो हम इसको क्या कह देंगे सत्य अब आप सोच रहे होंगे कि ये सत्य सत्य करवाते क्यों हैं तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये असल में निष्कर्ष हैं इन निष्कर्षों को आप भविष्य में कभी काम भी ले सकते हैं मान लीजिए आपसे कभी इसको, इसको संख्या ऐसी कह दी जाए कि तेरह गुणा पंद्रह गुणा इक्कीस को गुणा करो और गुणा करके बताओ कि ये सम होने वाली है विषम तो आप देखेंगे कि ये भी विषम है ये भी विषम है ये भी विषम है तो हम हमने क्या समझा तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है तो बिना गुणा किए ही आप बता दोगे कि जो उसका उत्तर आने वाला है वो विषम संख्या है आ रही तो ये केवल सत्य असत्य तक इनको सीमित रखें इन्हें अपने दैनिक जीवन में भी काम में लेकर के समझें ठीक है ना तो ऐसे लगेगा अब हम संख्याओं के साथ खेल रहे हैं ठीक है ना आगे है यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होगा कुछ समझ में आया एक बार और पढ़ लेते हैं यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए ठीक है सम संख्या में दो का भाग लिख लेते हैं वरना थोड़ा थोड़ा एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं ठीक है ना तो लिख लेते हैं हम क्या लिख रहे हैं सम संख्या में दो का भाग ठीक है दो का भाग दे दिया आगे क्या कह रहे हैं तो भागफल सदैव विषम होगा तो ये जो भागफल भागफल तो यही आता है ना ठीक है वो कह रहा है वो हमेशा विषम होगा हमेशा देखो ये जो शब्द काम में लेता है ना ये सदैव ये सदैव को बहुत सोच समझ करके काम में लेना चाहिए क्योंकि सदैव का मतलब होता है जितनी बार करोगे आएगा यहाँ विषम की बात हो रही कुछ और किसी सवाल में भी कहीं सदैव शब्द लिखा हुआ है तो अतिरिक्त सतर्क हो जाए करो क्योंकि सदैव का मतलब तो हर हाल में लागू होगा और अगर आपने कोई सवाल किया उसके प्रत्युत्तर में उसके जवाब में और एक भी अगर वैसा नहीं आया तो आप निश्चित तौर पर उसको कह देना ऐसा नहीं है ठीक है ना एक ने भी मना कर दिया भले दस हाँ कर रहे हो कि हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है लेकिन एक ने भी मना कर दिया तो सदैव शब्द तो फेल हो गया ठीक है जैसे अगर हम यहाँ करने वाले अगर मान लीजिए एक भी सम आ गया बाकी सारे विषम आ गए तो हम उसको असत्य बोलने वाले हैं सदैव का तो मतलब होता है हमेशा जैसे हम सदैव जैसे कहते हैं ना सूर्य सदैव पूर्व से उगता है सदैव का मतलब ये तो हमारा बिल्कुल बड़ा सबसे बड़ा सत्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता ठीक है ना वो वाली बातें हैं तो यहाँ पर पे सदैव को आप सीरियसली लेना ठीक है तो यहाँ पर भी हम संख्या लेते हैं और दो का भाग देके देख लेते हैं जैसे सम संख्या थोड़ी बड़ी लेते हैं ताकि दो का भाग जा सके तो बड़ी ले ली मैंने मान लीजिए अट्ठारह और अट्ठारह में दो का भाग दिया तो कितना आया दो नम में अट्ठारह पूरा पूरा भाग जा रहा है ना तो नौ तो क्या आया विषम संख्या आ गई आ गई तो क्या हम बोलते है? नहीं अब चूंकि सदैव लिखा है तो हम और चेक करेंगे वैसे भी हम चेक तो करते हैं दो बार तो अब की बार मैंने अगली संख्या ले ली मान लीजिए बीस ले ली और बीस में किसका भाग दे दिया दो का तो दो एकम दो दीस सीधा कर लूँ क्या सीधा कर लेते हैं दो एकम दो सीधा नहीं करते जीरो दफा किया और ये आया जीरो कितना आया दस तो दस क्या विषम संख्या है नहीं है दस तो झूठी हो गई तो हम इसको क्या कहने वाले हैं सदैव को असत्य ठीक है ना आ रही में तो सदैव शब्द जब भी कभी आए आपके पास में तो उसको अच्छे से चेक किया करो अगर यहाँ सदैव नहीं लिखा होता ना आप पढ़े जैसे देखते हैं यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाता तो भागफल विषम होगा तो यहां पर पे हम कह सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते है। लेकिन जब सदैव लिख दिया तो वो उसके पास उसका मतलब है कि ऐसा होगा ही नहीं और हमने तो करके दिखा दिया ना तो असत्य हो गया ठीक है चलते हैं अगले बिंदु की ओर जो कि है ई सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं तो हमने ऐसे कुछ बात की थी अभाज्य संख्या और विषम की पूर्व में बात करी थी ना चलो कोई बात नहीं अभी अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं तो आपको याद होगा हमने पूर्व में चर्चा की थी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है दो और उसके बाद तीन पांच सात ग्यारह और तेरह यहां तक तो हमने पीछे जिक्र किया हुआ है वैसे बेहतर रहेगा कि कुछ संख्याएं तो आप भी याद रख लीजिए ठीक है और ज्यादातर एक दो तीन चार पांच छह हैं हम इनको यहां तक यानी कि सात संख्याएं तो याद रहनी चाहिए कम से कम ठीक है ना ताकि जब भी चर्चा हो अभाज्य संख्याओं की तो आप फटाक से इनको लिखें और निष्कर्ष निकाल लें तो यहाँ कह रहे हैं सभी अभाज्य संख्याएं तो अभी तो हमने कुछ लिखी हैं अभी हमने सारी नहीं लिखी है कुछ लिखी हैं इनमें क्या कह रहे सभी संख्याएं क्या है विषम है लेकिन लेकिन हमने क्या कहा था कि दो क्या है इसमें सम है तो सभी तो नहीं हुई ना सभी नहीं ये अगर यूं बोलता कि दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम है तो हम तो सत्य मानते लेकिन यहां उसने दो का जिक्र नहीं किया है सबको ले लिए साथ में तो सबको साथ नहीं ले सकता वो ठीक है ना तो अगर यहाँ सभी की जगह सदैव लिखा होता तो भी असत्य होने वाला था ठीक है ना आ रही ना बात समझ तो यहाँ पे केवल दो ने ये सारा खेल बिगाड़ दिया चलते हैं अगले बिंदु की ओर जो कि है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं अभाज्य संख्याओं के गुण कोई गुणनखंड नहीं होते कोई भी नहीं होते ऐसा तो नहीं है ना हमने पूर्व में जिक्र किया था अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं तो ये यह यहाँ क्या कह रहे हैं कोई गुणनखंड नहीं होते कोई गुणनखंड नहीं होते मतलब शून्य ऐसा तो नहीं है ना तो ये तो अपनी बात से ही मुकर गया हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं तो ये बात तो अपने आप में ही असत्य है अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर जो कि है जी दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है दो अभाज्य संख्याओं का योग तो दो अभाज्य संख्या हमारे पास सामने पड़ी है इनमें से कोई दो ले लेते हैं और उनका योग कर देते हैं दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है पहले सबसे पहले पहले दोनों ले लेते हैं। दो प्लस तीन, कितना आ रहा है? पाँच। क्या ये सम है? तो सम नहीं है। ये तो क्या है सम नहीं है अर्थात विषम है कोई बात नहीं एक और चेक कर लेते हैं तीन में पांच जोड़ा तीन प्लस पांच आठ ये तो सम आ गया और आगे लेके थे पाँच प्लस सात तो ये भी क्या आ रहा है बारह ये भी सम है तो वैसे मैं आपको बता दूं हमने पूर्व में चर्चा की थी कि जब हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो योग क्या आता है सम अगर ध्यान दें तो ये दोनों विषम हैं ये दोनों विषम हैं ये दोनों विषम हैं विषम और इन सबको जब भी जोड़ेंगे और हमने ये भी बात करी थी कि अधिक दो के अतिरिक्त सभी विषम संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, होती हैं तो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सम आएगा लेकिन लेकिन यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है सदैव और सदैव में किसने हमें परेशान कर दिया सदैव को तोड़ा इस बात ने यहाँ पर किसको जोड़ दिया हमने दो को और दो को अर्थात ये तो सम संख्या है और ये विषम है तो सम और विषम तो हमेशा क्या होते हैं विषम आते हैं अर्थात अगर ये दो के अतिरिक्त पूछता तो निश्चित तौर पर जोड़ के आने वाला था सम क्योंकि विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम आता है ठीक है ना लेकिन हमने इसमें दो को जोड़ा जो कि सम संख्या है और उत्तर एक जगह गड़बड़ हो गई और एक होते ही हम सदैव को क्या कहते हैं असत्य कह देते हैं तो ये असत्य हो गया ठीक है केवल एक के कारण जबकि बाकी सारे सम होने वाले हैं है ना हम ये बात तो जानते हैं अगले बिंदु की तरफ चलते हैं जो कि h केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है अगर इसको वापस इतनी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा इसको आप स्लो एक एक शब्दों को अच्छे से समझते हुए चलें केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या है अब समझते हैं क्या कहना चाह चल अभाज्य संख्या है ठीक है अभाज्य संख्या है। लिख दी हमने आगे चलते हैं सम तो सम यहाँ पर कौन है दो है और कह रहे केवल दो ही तो बिल्कुल सही कह रहे हैं केवल दो ही इसमें क्या है सम भी है और अभाज्य भी है ये बात तो हमने पहले निष्कर्ष में भी निकाला था और अब इसने पूछ भी लिया तो सत्य है ना ठीक है ये सत्य है अगला बिंदु है सभी सम सम संख्याएं भाज्य भाज्य सभी वापस सोचे ये बात करें सभी संख्याओं की सम संख्याओं की तो सभी सम संख्याओं में मोटी मोटी जो शुरुआत की याद है वो कर लेते हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह इतना काफी है ना भाज्य संख्याएं हैं ठीक है तो सभी सम संख्याएं संख्याएं भाज्य संख्या हैं। तो देखें, चार में दो का भाग जाता है ठीक है ना छह में दो और तीन का जाता है और आठ में दो और चार का जाता है दस में दो और पाँच का जाता है बारह में दो तीन चार छः का भाग जाता है भाई एक और बारह तो जाने वाला है इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं और चौदह में दो और सात का जाने वाला ठीक है तो यहाँ पर पे सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं लेकिन लेकिन ध्यान दें यहाँ पर आपने ध्यान दिया मैंने दो का भी जिक्र नहीं किया तो दो में किसका भाग जाता है दो में किसका भाग जाता है दो में केवल और केवल किसका जाता है खुद का जाता है और खुद का जिसको में भाग जाता है हम जानते हैं एक और दो का ही जाता है जबकि यहाँ पर एक और चार का तो जाएगा जाएगा ठीक है ना तो केवल दो ही संख्याएं एक और दो और जब इसमें केवल खुद का ही भाग जाता है वो क्या संख्या होती है अभाज्य हम जानते हैं ना दो तो अभाज्य संख्या है लेकिन दो ये तो कह रहे है, सम संख्या, और दो सम संख्या भी है तो केवल दो दो नहीं देखिए आप बार बार दो आ रहा है हर सवाल में जहां -जहां दो घुस रहा है वहां पर असत्य होने की संभावना बढ़ रही है तो यहाँ सम संख्या सारी तो पालन कर करी थी सब में तो भाग जा रहा था लेकिन दो में और किसी संख्या एक और दो के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा था अर्थात अभाज्य संख्या थी तो ये भाज्य संख्या है ये तो सही नहीं है अब भाज्य भी एक शामिल है इसमें है ना तो ये क्या होने वाला है ठीक है? चलते हैं अगले बिंदु की ओर जो कि है दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है पूर्व में हमने चर्चा की थी तीन विषम संख्याओं के गुणनफल की अब की बार किसकी बात हो रही है गुणनफल तो हो रहा है लेकिन किसका दो सम संख्याओं का तो करके देख लेते हैं दो सम तो दो सम हमने ले ली मान लीजिए दो ले ली और एक उससे ठीक बड़ी ले ली चार दो और चार इनका क्या करना है गुणा करना है और मान निकालना दो चौके आठ आप बताएंगे सम संख्या है या विषम बिल्कुल ये क्या संख्या है सम संख्या है पर हम एक से संतुष्ट नहीं होंगे हम एक दो और ट्राई करेंगे तो अगली विषम संख्या ले लेते हैं हम मान लीजिए छ ले लेते हैं और इसको गुणा कर देते हैं बारह से तो बारह छके बहत्तर अब आप बताएं बहत्तर सम है या विषम है सम संख्या है और अगर बड़ी से बड़ी ले लें और फिर इसको गुणा करें तो ज़्यादा बड़ी ज़्यादा बड़ी तक तो नहीं जाएंगे हमने ले लिया मान लीजिए पचास और इसको गुणा कर दिया चार से तो पाँच सौ पीस ये हो गया दो सौ और दो सौ भी क्या है सम है ठीक है ना पीछे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है दो आ रहा है आठ आ, आ रहा है तो ये सम है तो ये कह कहें दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है तो सदैव सम आ रहा है इसका मतलब ये बात सत्य है ठीक है ना तो उम्मीद है आपको सवाल नंबर जो हमारा कौन सा था ये सवाल नंबर ये था हमारा सवाल नंबर दो समझ में आ रहा है ठीक है और हम चूंकि चर्चा यहां पर पे केवल प्रश्न संख्या एक और दो की ही कर रहे थे तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ जुड़े रहिए